हाय एवरीवन। तो यार मैंने कुछ दिन पहले अमेज़ॉन के लिए एक प्रिपरेशन गाइड लॉन्च की थी जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसमें मैंने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर अमेज़ॉन, और यार बहुत ही ज़्यादा डिटेल में थी वो। एंड इफ़ यू फॉलो दोज थिंग्स एब्सोल्यूटली यू विल बी एबल टू क्रैक अमेज़ॉन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। उसी तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ सिमिलर भी रहेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अलग रहने वाली हैं, बिकॉज दोनों कंपनीज में जो इंटरव्यूज होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगेन जो हमारे पिलर्स हैं वो तीन ही हैं, फर्स्ट इज DSA, देन यू हैव प्रोजेक्ट, देन यू हैव सब्जेक्ट। पर इसमें काम करते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स को उठा के सबसे पहले ले आते हैं एंड लेट अस डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? बाकी जो आपके इंटरव्यूज हैं अमेजोन की, जैसे मैंने बात करी, या फिर मैं गूगल की बात करता हूँ, तो उसमें आपका मोस्ट ऑफ द फोकस इज ऑन DSA। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में द फोकस विल बी विद DSA, इट विल बी ऑन सब्जेक्ट्स एज वेल। हर इंटरव्यू के बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि आपसे एक या दो इजी लेवल के, ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी लेवल के ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कैसे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अच्छा खासा भी हिंट देने वाला हूँ। और यार मैंने जैसे पहले एक शीट बनाई हुई थी अमेज़ॉन में दी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, दी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, उसी तरीके से मैंने माइक्रोसॉफ्ट की भी एक शीट बना रखी है 50 क्वेश्चंस की, जो आपको वीडियो में आगे चल करके मिल जाएगी। ओके, 50 क्वेश्चंस हैं, दोज आर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं एंड जो कि अभी ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज को गो थ्रू किया है एंड आई हैव कलेक्टेड दोज 50 क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स। तो यार ब्रीफली स्पीकिंग देर आर थ्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड देन यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ इंटरव्यूअर्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स दे आस्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। आपसे DSA का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आफ्टर दैट आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, कहाँ पर डायनेमिक यूज होता है, कहाँ पर स्टैटिक यूज होता है, व्हाट इज एन इंटरफेस, व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, स्कीमा, ठीक है, बेसिक। आपने लेट से आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो तो आपसे स्कीमा पूछ लिया जाएगा इसका, वन टू मैनी रिलेशनशिप, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों से DBMS से पूछ ली जाएंगी। सिमिलरली आपसे शेड्यूलिंग वगैरह पूछ ली जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करी है ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। जस्ट इन केस अगर आप मिस कर गए ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑनलाइन सेमेस्टर्स ऑफ कोर्स या फिर किसी भी वजह से, सो इन दैट केस यू हैव माई शीट्स। आपको जाके डिस्क्रिप्शन में तीनों की तीनों शीट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद द राइट रिसोर्स टू स्टडी फ्रॉम सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो यार बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि भैया कौन से कोर्सेज हम लोग फॉलो करें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखने के लिए। यार कोडिंग निंजास के कोर्सेज आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर DSA। ओके, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है जहाँ से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे के सारे कोर्सेज पे। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि इन कोर्सेज की स्पेशलिटी क्या है। तो यार दीज कोर्सेज आर डिजाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे हिंट वीडियोस मिल जाएंगे जस्ट इन केस यू गेट स्टक। वेन एवर वी आर न्यू, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वी गेट स्टक, तो आपको हिंट वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, इवन इफ दैट डजंट वर्क देन यू हैव द TA सपोर्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप लोगों को इंस्टेंट TA सपोर्ट मिल जाएगा, वन ऑन वन सेशन विद अ TA जो आपको आकर के आपका डाउट रिजॉल्व कर देगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट दीज कोर्सेज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम DSA कोर्स आपका कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड बहुत सारे और भी कोर्सेज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट बाय योरसेल्फ, यू कैन रीड द रिव्यूज एंड यू कैन गेट द कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ लेट अस मूव अहेड इन द वीडियो। नाउ लेट अस मूव टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब DSA तो यार मैं बहुत बार बात करते रहता हूँ DSA की, मैंने ऑलरेडी 250 क्वेश्चंस की शीट भी लॉन्च की हुई है, जो आप कर लोगे तो आपको कोई सी भी शीट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवेंचुअली मैं यही देखता हूँ कि वेन एवर आई कलेक्ट क्वेश्चंस, जैसे मैंने अमेजोन के लिए भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे 50 क्वेश्चंस, अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए 50 क्वेश्चंस कलेक्ट किए, मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन दैट 250 क्वेश्चंस वाली DSA शीट। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यू कैन डू दैट शीट जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू ट्राई इट आउट योर सेल्फ। यार आप अमेजोन के लिए या माइक्रोसॉफ्ट के लिए तैयारी तो कर रहे हो कि आप उस लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे, सो इन दैट केस यू कैन डू दिस 50 क्वेश्चंस वाली शीट। ठीक है, 50 क्वेश्चंस वाली शीट करके देख लो, खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जस्ट इन केस नहीं हो पाते हैं क्वेश्चंस तो आपको ये लगेगा कि यार आपको और तैयारी कर लेनी चाहिए, तो आप तैयारी कर लेना। ठीक है, सो 50 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके आपको दिए हुए हैं, यू कैन गो एंड सॉल्व देम। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आप लगाना मत बेसिकली ज़्यादा दिन, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आप प्रिपरेशन के लिए। ओके,
सो यू कैन डू दिस शीट। तो यार सेगमेंट ट्री नहीं पूछा जाएगा, फेनविक ट्री नहीं पूछा जाएगा, एडवांस ग्राफ एल्गोरिदम्स नहीं पूछे जाएंगे, BFS, DFS, डाइथ्राज एल्गोरिदम, बेसिक वाले जो एल्गोरिदम्स है ग्राफ के वो आप लोग देख लेना। ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्री अच्छे से देख लेना, ट्री के ट्रेवर्सल्स अच्छे से देख लेना। ओके, देन यू हैव लिंक लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चन, मैंने तो पूरी लिंक लिस्ट की सीरीज बनाई हुई है, वीडियो सीरीज, नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया सीरीज है, वो कर लोगे तो इनफ है, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है लिंक लिस्ट में। देन स्ट्रिंग्स, एरेज, 2D एरेज, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे होते हैं, बाइनरी सर्च वगैरह से मैंने क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं देखे जितने मैंने ट्री से, लिंक लिस्ट से और एरेज एंड स्ट्रिंग से देखे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से आते हैं। ओके, करने आपको बचे हुए टॉपिक्स भी हैं, एडवांस टॉपिक को छोड़ करके जो बेसिक टॉपिक्स हैं कर लेना एक बार, नोबडी नोज कि आपको इंटरव्यू क्या पूछ ले आपसे, बट देन दीज आर द मस्ट डू टॉपिक्स। ओके, इन्हीं के क्वेश्चंस आपको शीट में भी मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस वाली शीट में, सो मेक श्योर दैट यू डू दीज क्वेश्चंस नाइसली। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोजेक्ट। तो यार प्रोजेक्ट की जब बात आती है तो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ा भी है, वहाँ पर यार बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में। मेरे जो दोस्त हैं, उनसे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ही नहीं था, बट दैट डजेंट मीन कि आप लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाएं, इट इज़ रिकमेंडेड दैट एक प्रोजेक्ट अच्छा सा बना के आप लोग अपने रिज्यूम में डाल लें, क्योंकि यार सी योर एम शुड बी प्लेसमेंट इन अ वेरी गुड कंपनी, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, नॉट ओनली अमेजॉन। तो प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगेगा, आई एग्री, एक प्रोजेक्ट अच्छा सा बना लो और उसको बना करके अपने रिज्यूम में मेंशन कर लो, सारी कंपनीज में काम आ जाएगा, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया तो माइक्रोसॉफ्ट में भी काम आ जाएगा, बट चांसेस ज़्यादातर यही हैं कि या तो आपसे नहीं पूछा जाएगा सब्जेक्ट के बारे में, या अगर पूछा जाएगा तो यार ऊपरी लेयर से पूछा जाएगा, आपको इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो दीज आर माई 3 टिप्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। 3 टिप्स क्या है, पूरा का पूरा डिटेल्ड रोड मैप ही है ये, डू फॉलो दिस एंड मेक श्योर दैट यू डू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो सुन लोगे अच्छा लगेगा सुनने के बाद कि हाँ यार सिलेबस इज लिमिटेड, बट इफ यू विल नॉट डू दिस तो यार ये आपका फिर हो नहीं पाएगा, बट बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो 50 क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, देन 50 क्वेश्चंस के बाद अगर 250 क्वेश्चंस की शीट अटेम्प्ट करोगे तो उसमें और टाइम लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जितना ज्यादा टाइम है उतने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, एंड मेक श्योर दैट यू डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट अस मीट इन अनदर वीडियो।